डिंडोरी कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान 221 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत निर्वाचन के दौरान क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान जबलपुर बाईपास रोड पर बड़ी मात्रा में गांजा भंडारण और दो संदिग्ध युवकों की मौजूदगी में सूचना प्राप्त हुई थी। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने मौके पर दबिश दी। वहीं पुलिस को देख दोनों संदिग्ध युवक भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने 224 पैकेट गांजा बरामद किया। अपना मंडला बाईपास में जो भर रहा है थ्रेसर के पास में, उधर से हमको सूचना मिली थी कि दो लोग भर्रे के नीचे डाउन वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर स्टाफ को रवाना किया गया था। स्टाफ ने घेराबंदी कर जब हम मौके पहुंचे तो दो लोग बैठे हुए थे। पुलिस को देखते हुए दोनों लोग, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष थी, मोटरसाइकिल चालू करके वहाँ से भाग गए। जब काफ़ी स्टाफ ने उनका पीछा किया, लेकिन वो पुलिस को चकमा दे करके वहाँ से निकल गए थे। बाद में मौके पर जाके देखे तो वहाँ लगभग 224 पैकेट में गांजा रखा हुआ था, जिनको तौल किया गया, जिसकी मात्रा 2 क्विंटल 21 किलो आई है। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया। दोनों अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाजार मूल्य सर कितनी गांजे? बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रुपये।